जितना हमने सोच रखा है पैसिफिक ओशन उससे कई ज्यादा गुना बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि चिली के समुद्र के साहिल में अगर अर्थ में छेद किया जाए तो उस पार जहां वो छेद निकलेगा वो भी पैसिफिक ओशन में ही होगा। दर्शकों, दुनिया में कुल 5 ओशन पाए जाते हैं और उनमें से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन ही है और इसका टोटल एरिया 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि हमारी टोटल अर्थ का जमीनी हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि अगर हमारी दुनिया के सारे जंगलात, रेगिस्तान, पहाड़ों और आइलैंड को मिला दिया जाए तो पैसिफिक ओशन अकेला ही उन सबसे ज्यादा बड़ा है। इस ओशन में मौजूद चंद आइलैंड इसके भयानक रूप के सामने मात्र एक डॉट के बराबर दिखाई देते हैं और ये वो आइलैंड हैं जिसपे किसी भी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। कुल मिलाकर अगर कोई भी इंसान इस बड़े विशालकाय ओशन में गुम हो जाए तो उसको जिंदा या मुर्दा ढूंढ पाना लगभग असंभव है। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि इसी भयानक ओशन में अपनी छोटी सी बोट पर गुम गया, वो भी 1-2 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों के लिए। और इस इंसान ने जाने अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसको कोई चाहते हुए भी तोड़ नहीं सकता। समुद्र में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले इस आदमी का नाम जोस साल्वाडोर अल्वारिंगा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने खौफनाक समुद्र में 14 महीनों तक अकेला ये आदमी जिंदा कैसे रहा। पर इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये आदमी आखिर समुद्र में गया क्यों था। बात 2012 की है जब मेक्सिको के एक छोटे से कोस्टा एजुल नामक गांव में यह आदमी रहा करता था। जोस उस समय 36 साल का था और एक एक्सपर्ट मछुआरा भी था। और 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने समुद्र में रवाना हुआ। प्लान ये था कि वो समुद्र पर मात्र 30 घंटे गुजारेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बोट पर ज्यादा खाने पीने का सामान और जरूरत के सामान नहीं रखे थे और उस बोट में केवल एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियों को पकड़कर स्टोर करते थे। लेकिन अपने साथ मात्र 1 दिन का खाना लिए हुए जोस को इस बात का इल्म कहां था कि अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन होने वाले हैं। जोस और उसका साथी अब मेक्सिको के साहिले समुद्र से 120 किलोमीटर की दूरी पर थे और उन्होंने मछली का जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त समुद्र में एक खौफनाक तूफान उभर आया और वो दोनों मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की ओर भागने लगे। लगातार बोट को 6 घंटे तेज रफ्तार में भगाते हुए अब वो साहिल से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर थे और उन्हें अपना गाँव भी दिखाई देने लगा था। वो उस तूफान को तो बहुत पीछे छोड़ आए थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि वो आज वापस साहिल पर पहुंचे। साहिल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर उनके बोट के इंजन ने जवाब दे दिया और वो पूरी तरीके से खराब हो गया और ना ही उनके पास बोट चलाने के लिए चप्पू थे और ना ही बोट पे डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए कोई सेल लगी हुई थी। उनके पास मौजूद एक रेडियो से उन्होंने इस वाक्य का जायजा तुरंत अपने बॉस को दिया और अपने बॉस के जवाब का वेट करने लगे। लेकिन किस्मत आज उनके साथ कहां थी। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की पूरी बैटरी खत्म हो गई। जोस अल्वारिंगा और उसका साथी अभी यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए और तब तक कुछ ऐसा होता है जो कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। समुद्र की लहरों और तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की ओर ढकेलना चालू कर दिया और जो साहिल उन्हें नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल होता जा रहा था। उनके बॉस ने रेडियो पर मैसेज सुनने के बाद एक सर्च ऑपरेशन भी जारी किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। जोस को गुम हुए अब 5 दिन हो चुके थे और समुद्र की तेज हवाओं ने उसकी बोट को साहिल से 450 किलोमीटर की दूरी पर ला खड़ा किया था और अब जोस और उसके साथी को समुद्र में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और उनकी बोट इतनी छोटी थी कि उनको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता था। ना ही उनके पास कोई भी फ्लेयर गन थी और ना ही उनके पास माचिस थी कि वो आग लगाकर धुएं से कोई सिग्नल दे सके। जोस अल्वारिंगा और उसके साथी को अब ये बात अच्छे से मालूम चल चुकी थी कि उनके जिंदा रहने के चांसेस 1% से भी कम है और जो खाना वो अपने साथ लेकर चले थे वो पहले ही खत्म हो चुका था और इसीलिए जो भी परिंदे उनके पास उनकी बोट पर आकर बैठते वो उनको पकड़ते और कच्चा ही खा जाते या फिर बोट के आस पास मंडराने वाली मछलियों को वो बड़ी मुश्किलों के साथ अपने हाथों से पकड़ते और अपना पेट भरने के लिए उन्हें भी कच्चा ही खा जाते, क्योंकि समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की तबीयत बहुत खराब और मौत भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में बारिश का पानी जमा करना शुरू किया और उसी से अपनी प्यास बुझाई। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पिया करते थे और वो भी तब जब बड़ी मुश्किलों के बाद वो उनकी पकड़ में आते थे।
दिन पे दिन बीतते गए और फिर कई महीने, और इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर और टॉर्चर को झेलना एक आम आदमी की सोच से भी परे है। और यही हुआ, जोस अल्वारिंगा का साथी इस मेंटल टॉर्चर और प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीने के बाद उसने समुद्र में कूद कर सुसाइड कर लिया। और अब जोस अल्वारिंगा का हौसला बढ़ाने और साथ देने के लिए कोई भी नहीं था और उसे सब कुछ अकेले ही झेलना था। और इस वक्त जोस एक ऐसी लोकेशन पे था जो कि पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा और खामोश हिस्सा है, और अब उसके सब्र का बांध भी टूटता चला जा रहा था, क्योंकि मेक्सिको के साहिल को छोड़े टोटल 6 महीने हो चुके थे और अब उसके साथी ने सुसाइड भी कर लिया था। और जिस जगह पे जोस इस वक्त था वहां से कोई भी कार्गो और क्रूजर शिप का निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दिन उसको ऐसा मंजर नजर आता है कि उसके जिंदा रहने की उम्मीदें फिर से खिल उठती हैं। लेकिन जोस की ये बोट इतनी ज्यादा छोटी थी कि कई प्रकार के इशारे और आवाजें लगाने के बावजूद शिप के क्रू मेंबर को जोस की ये छोटी सी बोट नहीं दिखाई दी, और बदकिस्मती से ये शिप भी उसके हाथ से निकल जाती है। और 6 महीने में जिंदा रहने की एक उम्मीद की किरण भी अब धुंधली पड़ चुकी थी। इमेजिन कीजिए कि आप जोस की जगह हैं और अपनी जिंदगी के लिए एक एक दिन जंग लड़ रहे हैं, और उसमें आपको कार्गो शिप के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो भी आपको इग्नोर कर चली जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? और अब जोस कुल मिलाकर अपनी इसी छोटी सी बोट पर 8,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर चुका था। उसके पास खुद को ढकने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं बचा था और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जो कि 30 जनवरी 2014 था, उस दिन जोस ने अपनी बोट के आसपास नारियल तैरते हुए देखे, और जोस समझ गया कि ये नारियल जरूर किसी न किसी आइलैंड के नारियल के पेड़ से टूटकर ही बह रहे हैं। इसका मतलब आसपास कोई आइलैंड आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद उसको एक आइलैंड नजर आता है, और डर के मारे कि ये आइलैंड भी उससे ना छूट जाए, इसलिए वो तुरंत अपनी बोट को छोड़कर पानी में कूद जाता है और वो स्विम कर आइलैंड पे पहुंच जाता है। और पिछले 14 महीनों में ये पहली बार हो रहा था कि जोस धरती पर कदम रख रहा था, और खुशकिस्मती से वहां पर एक छोटा सा बीच हाउस भी था जहां पर वहां का लोकल आदमी रह रहा था। और उसके साथी के मरने के बाद ये पहली बार था कि वो किसी जीवित इंसान से मिल रहा था। जिस आइलैंड पे जोस उतरा था उसको इबोन एटोल कहा जाता है, और इस आइलैंड की दूरी जोस की शुरुआती लोकेशन से 11,000 किलोमीटर है। और ये जोस की खुशकिस्मती थी कि वो इस आइलैंड पर रुक गया, वरना इसका अगला स्टॉप सीधा फिलीपींस में होता, जो कि इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पहुंचते ही लोकल अथॉरिटीज से कॉन्टेक्ट करके जोस को वापस अपने घर भेजा गया। लेकिन अभी भी सारी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि जोस घर वापस जाने के बाद अपने इस एक्सपीरियंस को एक 438 डेज नामक बुक लिखकर पब्लिश करता है, और इस बुक को पढ़ने के बाद उस पर अपने साथी को जान से मारने के फॉल्स केस में फंसा दिया गया, क्योंकि जोस की बुक के मुताबिक उसने हौसला हार कर सुसाइड कर लिया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।